गाइस, तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सिर्फ इस वजह से नहीं चल पा रहा है क्योंकि तुम में से जो एक पार्टनर है, तुम दोनों में से, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और दूसरा पार्टनर उस अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कि तुम इतने अंडरस्टैंडिंग हो कि तुम रिस्पेक्ट करते हो कि जो तुम्हारे पार्टनर का स्केड्यूल है वो सुबह से रात तक, शाम तक बिजी रहते हैं अपने काम पे, तुम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हो। लेकिन तुम ये भी अंडरस्टैंड करते हो उसके बाद कि उनका जो शाम का और रात के 2 बजे तक का टाइम है वो तब भी इधर उधर बाहर घूमते रहते हैं, और एक पार्टनर जो है वो वेट करता रहता है उनकी कॉल का, उनसे बात करने का, जस्ट बिकॉज यू कॉन्ट स्लीप विदाउट टॉकिंग टू देम। और उसके बाद क्या होता है, जब वो आपको रात को 1:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब भी कॉल करते हैं एवरी डे, उसके 10 या 15 मिनट बाद उनको नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं। आपको स्पेस ही नहीं मिलता है अपने पार्टनर से बात करने का, आपको स्पेस ही नहीं मिलता है कि आप अपने कोई इश्यूज, अपने कोई इमोशंस उनके साथ शेयर कर सको। हम किसके साथ शेयर करेंगे फिर जाके? देन वी नीड फ्रेंड्स। तो प्रॉब्लम रिलेशनशिप में यहाँ से आनी शुरू होती है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में वैसे ही आप नहीं मिल रहे हो। कम्युनिकेशन जो है वो सबसे बड़ी चाबी है लॉन्ग डिस्टेंस की। प्लीज़ इसको मैसअप मत करिए। अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, इक्वल रिस्पॉन्सिबल बनिए, अंडरस्टैंड करिए अपने दूसरे पार्टनर को भी रिलेशनशिप के अंदर।